इस वक्त हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 9 में हैं, जहां ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के मौके पर ही आयोजन होता है। हमारे साथ वो विभूतियां हैं जो आज शिक्षक दिवस के मौके पर ब्लॉक स्तर पर सम्मानित हुई है। छुड़ी विद्यालय से कमलेश मैम हमारे साथ हैं। मुझे 2.5 साल पहले मैं वहाँ गई थी, तो एकदम जर्जर अवस्था में भवन था। मामाशाओं को जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन मामाशाओं को प्रेरित करके ये कार्यक्रम मैंने 7 लाख रुपए सब इकट्ठे किए, उनको 60-40 की योजना में लगाकर विद्यालय का पूरा भवन पुनर्निर्मित करवाया, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त शौचालयों का निर्माण करवाया, आंगनबाड़ी कक्ष जो पूरा जीर्ण शीर्ण था, पट्टियाँ टूटी हुई थी उसको पूरा करवाया। आज 15 लाख की कीमत से एक भव्य प्रवेश द्वार जो शायद ही किसी विद्यालय में फतेहपुर ब्लॉक में होगा, उसका निर्माण किया गया है हमारे भामाशाहों का के द्वारा। तो ये सारी कोशिश रही। नामांकन भी जो 51 से था वो 128 तक मैंने पहुँचा, पूरे विद्यालय के सहयोग से, मेरी टीम के सहयोग से मैंने बुलाया, और ठहराव भी हमारा है। विद्यालय बहुत अच्छा सुरक्षा से चल रहा है, मेरी पूरी विद्यालय की टीम उसके लिए हम समर्पित हैं। तो कुल मिलाकर ऑलराउंड प्रदर्शन रहा है। एक और सम्मानित शिक्षिका सरोज सैनी मैम हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह का अनुभव रहा आज उपखंड स्तरीय पुरस्कार आपको मिला है? ये पुरस्कार मिलके मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है, और मैंने भी अपने विद्यालय में बहुत ही भामाशाहों को प्रेरित किया है। हमारे विद्यालय में मैंने शौचालय का निर्माण भामाशाहों के द्वारा करवाया, और दो इन्वेटर दिए गए हैं हमारे विद्यालय में, उनको प्रेरित किया, 2 LCD दी गई है, और हमारे विद्यालय में जो जीर्ण शीर्ण आंगनबाड़ी थी उसका भी हमने जीर्णोद्धार करवाया है, और बच्चों के साथ हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। हमारे विद्यालय में नामांकन भी बहुत ही अच्छा है। राजकीय नेवटिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या प्रधानाचार्य रीटा कुलहरी साहिबा हैं। मैम, किस अंदाज में आप अपने साथी शिक्षक समाज को बधाई देना चाहेंगे, किस तरह का आज का आयोजन रहा? क्योंकि मैं स्वयं एक महिला हूँ तो आज मैं विशेष तौर से गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जिन 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है ब्लॉक स्तर पर, उनमें से 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। तो ये दिखाता है कि शेखावाटी में दिनों दिन महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से 2 कदम आगे चल रही हैं, और जहाँ पर सम्मान का प्रोग्राम रखा गया है वहाँ की भी जो मुखिया हैं वो भी एक महिला ही हैं, शबनम जी। तो आज के इस अवसर पर मैं शबनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की। बात करेंगे क्योंकि शिक्षक दिवस है और ये सम्मानित शिक्षकों का सम्मान समारोह था, लेकिन ये ज़्यादातर शबनम जी पर केंद्रित हो गया है ये आकर्षण। हाँ, आपका आज के इस कक्षा कक्ष लोकार्पण समारोह तथा ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह है कि सफलता के लिए मैं मुख्य रूप से सुश्री शबनम जी भारतीय तथा बोलता राजस्थान के पत्रकार मुबारक अली जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप आज का ये जो कार्यक्रम है वो सफल, जानदार, शानदार रहा। धन्यवाद। अब एक खास बात शिक्षक दिवस के मौके पर हम करना चाहेंगे। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अगर आप ये सोचते हैं कि थोड़े दिन पहले भी ऐसी थी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको या कमेंट बॉक्स में आपको कुछ फोटोज मिल जाएंगे जो इस विद्यालय की दशा और दिशा को आपको बताएंगे कि कैसा यहाँ पर वातावरण हुआ करता था। तो आदर्श शिक्षिका जो जिला स्तर पर सम्मानित भी हुई हैं, शबनम भारतीय मैम हमारे साथ हैं। शबनम मैडम, आप भी शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। शबनम भारतीय मैम नमस्कार। सबसे पहले आज चूँकि शिक्षक दिवस है तो तमाम शिक्षकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इसके साथ ही ये जो आज का कार्यक्रम है, लोकार्पण का कार्यक्रम, इसके लिए मैं सेठ सोनलाल दुग्गड़ चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि वे भविष्य में भी इसी प्रकार पर से हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इसके साथ ही मैं अपने विभाग का भी आभार धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि उन्होंने इस छोटे से विद्यालय को आज के कार्यक्रम के लिए, आज के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के लिए आज हमारे विद्यालय को चुना। इसके लिए मैं CBO साहब, UCO साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि उन्होंने हमें चुना और हमें सेवा का मौका दिया। और साथ ही आज मैं जो सम्मानित हुए हैं शिक्षक 2 मैडम और ये, इनको भी बहुत बहुत एक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि वो भविष्य में भी अपना इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। आज मुझे भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं और अच्छी बातें सुनने को मिली। मेरी उम्मीद है कि मुझे इसी तरीके से आगे भी
ये जो मेरे प्रति लोगों का रुझान है या विचार है या प्रभाव है वो बना रहेगा, और इसको बनाए रखने के लिए मैं तहे दिल से जितना प्रयास हो सकता है इतना दी बेस्ट प्रयास अपनी तरफ से करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोल साहब सर में आप कार्यरत हैं, व्याख्याता हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं सभापति महोदय मुश्ताक जी नजमी, प्रधान प्रतिनिधि महिपाल जी नेहरा, उप प्रधान प्रतिनिधि प्रभु सिंह जी कारंगा, सीबीओ साहब नरेंद्र जी शर्मा, उप सभापति निकिता जी रीणवा, उपखंड अधिकारी विकास जी प्रजापत, उपखंड अधिकारी रामगढ़ विकास जी प्रजापत, और चापा समर्पित कर रहे हैं हमारे नगर के मुखिया नगर परिषद सभापति हारदिल अजीज, मुश्ताक नजमी साहब, राजेश जी बिवाड़, पूर्ण जी गायकार, शबनम भारतीय मैम यहाँ मौजूद है इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, रीटा कुलहरी साहिबा, ताराचंद जी मील यूसीईओ, और यहाँ मौजूद है सम्मानित अध्यापिका सरोज सेनी जी, कमलेश जी और अन्य हमारे खास मेहमान। बहुत बहुत दुआएं आपको, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रगति के नित नए सोपान इसी तरह से पेश करते रहें और महफिल को जमाने के लिए।